गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन जनवरी के करंट अफेयर करते हैं। ये पार्ट वन होगा, 50 क्वेश्चन हो गए इसमें, और जो बाकी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे को लगेगी वो सेकंड पार्ट में कवर हो गए। अपन को रोज करंट अफेयर रिवाइज करना है। 6 महीने के करंट अफेयर की वेटेज बहुत है, 20 नंबर है, उसके लिए मेहनत करनी है। उसके बाद अपने लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। सारे मेन करंट अफेयर अपने कवर हो जाएंगे। अब देखो जनवरी अपन चालू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन डिक्लेयर द मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ डिकेड बाय द यूनाइटेड नेशन। जनवरी का क्वेश्चन पहला कौन सा है, यूनाइटेड नेशन ने किसको मोस्ट फेमस टीनेजर किसको डिक्लेयर करा। इसका आंसर है मलाला यूसुफजई। बहुत बच्चे जानते भी होंगे इनके बारे में। ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है और नोबल पीस प्राइज 2014 की विनर है। अपना करंट का क्वेश्चन क्या है कि टीनेजर ऑफ द ईयर किसको मिला है, मलाला यूसुफजई। ये देखो टीनेजर किसने दिया है, यूनाइटेड नेशन ने। आंसर क्या है, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई के बारे में स्टैटिक में चलो, कौन है ये, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। इनको शायद ये बचपन में थी तो इनको किसी ने गोली भी मारी थी एकदम सेंटर में हेड के। ये नोबल लॉरेट है, नोबल पीस प्राइज इनको 2014 मिला है, और ये यंगेस्ट नोबल लॉरेट है। ये यंगेस्ट नोबल लॉरेट है, कौन है, मलाला यूसुफजई, ठीक है। अब देखो मेरी बात, एक और जनवरी का ही मलाला से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, मलाला पर जो रिसेंट मूवी बनी है उसका नाम क्या है, गुल मकई। गुल मकई। अपने दो क्वेश्चन जनवरी के मलाला पर भेज दे। एक तो टीनेजर वाला मैं बार बार रिपीट करूंगा जिससे कि आप लोगों के माइंड में जाए, एक तो टीनेजर वाला, एक गुल मकई, ठीक है। ये अपना हो गया। अब यूनाइटेड नेशन की बात हुई, यूनाइटेड नेशन है क्या। यूनाइटेड नेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी दो से लेकर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। उसका हेड कौन है, एंटोनियो गुटरस, ये उसका हेड है। और टोटल कितने यूनाइटेड नेशन के सदस्य, कितनी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, अभी तक 193 मेंबर है। पैलेस्तीन को ऑफर हुआ है पर उसका शायद अप्रूवल नहीं हुआ, तो अभी 193 अपनी मेंबर्स है। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, टीनेजर का आंसर क्या है, मलाला यूसुफजई। ये कौन है, ये नोबल लॉरेट है, कहाँ से है, पाकिस्तान से, यंगेस्ट नोबल लॉरेट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुल मकई किस फेमस नोबेल लॉरेट पर फिल्म बनी है, मलाला यूसुफजई पर फिल्म बनी है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आ गए, ये अपन स्टैटिक की मॉड्यूल भी कवर कर रहे हैं साथ में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। हेड कौन है इसका, एंटोनी गुटेरेस है। टोटल कितनी कंट्रीज के मेंबर है, 193 मेंबर्स है। अब देखो नोबेल प्राइज की बात हुई है, नोबेल प्राइज के बारे में हमको इतना जान रहा है कि ये नोबेल प्राइज किसके नाम पर है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। नोबेल प्राइज किसके नाम पर है, अल्फ्रेड नोबल के नाम पर है। और ये अल्फ्रेड नोबल भाई साहब थे कौन, के डायनामाइट के इन्वेंटर थे। डायनामाइट का इन्वेंशन किसने करा था, अल्फ्रेड नोबल ने। मतलब नोबल पीस प्राइज का मतलब होता है शांति का पुरस्कार, और उसका नाम कौन है, जिसने बर्बादी, जिसने डायनामाइट को बनाया, ठीक है। बहुत आयरनिक बात है। देता कौन है नोबेल प्राइज, स्वीडिश एकेडमी देती है। स्वीडिश एकेडमी नोबेल प्राइज देती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नोबेल प्राइज कभी मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता। मैथमेटिक्स में क्यों नहीं दिया जाता, कुछ ऐसी कहानी है कि इसका जो फ्रेंड था वो इसकी वाइफ के साथ भाग गया था, और वो मैथमेटिक्स की फील्ड का था, तो इसके कारण है ना मैथमेटिक्स को ये अल्फ्रेड नोबल मानता नहीं था। बोलता है कि ये बहुत ही थियोरिटिकल चीज़ है और नोबल प्राइज प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए देना चाहिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैथमेटिक्स के लिए कभी भी नोबल प्राइज नहीं दिया जाता, ठीक है। तो अपना पहले क्वेश्चन में अपन को बहुत नॉलेज मिली, मलाला यूसुफजई, यूनाइटेड नेशन, नोबल प्राइज, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन हेड, ठीक है, और ये गुल मकई। पहला क्वेश्चन हो गया, आगे चले, आगे चलो। अब देखो मेरी बात, इसके दो क्वेश्चन निकल रहे हैं। जनवरी के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट हुई थी, और पोस्ट क्रिएट करके जनरल बिपिन रावत को इसका हेड बनाया था। देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट कभी नहीं थी, ये पोस्ट जनवरी में गवर्नमेंट ने क्रिएट करी थी। और इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो अपनी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उन तीनों का एक पर्सन हेड होगा जो उनके अफेयर्स के बारे में गवर्नमेंट को बताएगा, गवर्नमेंट का एक तरीके से एडवाइजर होगा। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट जनवरी में हुई, और जनरल बिपिन रावत इसके हेड बने। अब ये जनरल बिपिन रावत थे कौन, ये दिसंबर में हमारे आर्मी चीफ थे, मतलब ये
1 1 ईयर 2 ईयर के लिए हमारे आर्मी चीफ थे। जैसे ही ये आर्मी चीफ से रिटायर्ड हुए, इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया। तो ये फॉर्मर आर्मी चीफ थे। अब बोलोगे सर ये अगर गए तो उनके जगह आर्मी चीफ कौन बने? तो यही तो क्वेश्चन है, ये भी जनवरी का क्वेश्चन है। जनरल मनोज मुकुंद नरावे, नरावने, प्रोनंसिएशन आप लोग देख लेना, जनरल मनोज मुकुंद नरावने, जनरल मनोज मुकुंद नरावने। देखो दो क्वेश्चन ऊपर डिस्कस करें, दो क्वेश्चन अभी हो गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनी, जनरल बिपिन रावत को इसका हेड बनाया, और आर्मी चीफ थे वो हमारे पहले। अब आर्मी चीफ नया जनवरी में किसको बनाया? मनोज मुकुंद नरावे। अब आर्मी चीफ पर बात आई है तो नेवी और एयरफोर्स के चीफ भी याद होने चाहिए। नेवी का चीफ है करमबीर सिंह और एयरफोर्स का चीफ है हमारे भदौरिया जी। समझ गए? हमारे भदौरिया जी, समझ गए? ये तीन स्टैटिक, दो स्टैटिक के क्वेश्चन आ गए, दो हमारे करंट के क्वेश्चन आ गए। आगे चले, आगे चलो। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स जनवरी में निकाली थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। देखो ये काफी जगह आएगा। अपना तो वैसे भी सीएस से रिलेटेड है, थोड़ा इकोनॉमिक्स भी अपनी मॉड्यूल में ज्यादा दे रखी है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बहुत आएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स निकाली थी, उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 72, और टॉप किसने करा था? टॉप स्विट्जरलैंड ने करा था। तो अपन को इतनी चीज ध्यान रखनी है, इंडिया की रैंकिंग क्या है? 72, टॉप स्विट्जरलैंड ने कराया है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात आई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कोलोंगी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका हेड हमारा क्लॉस सेकेब ये है। ठीक है, ये चीज तो अपनी हो गई। ये किस पर बेस्ड है जो कॉम्पिटेटिव इंडेक्स है? ये टैलेंट बताती है इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी कंट्री आ गई, किसके लोग आ गए। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 72, और टॉप किसने करा है? स्विट्जरलैंड ने करा है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो मेरी बात, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल एनुअल मीटिंग होती है, वो दाओस में होती है, ये चीज ध्यान रखना। ये अभी भी हुई थी, तुम्हें याद होगा, एक मोदी जी की ठंड के अंदर मफलर पहने में फोटो बहुत पहले वायरल हुई थी, क्योंकि मोदी जी पिछले साल से पिछले साल दाओस गए थे इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बहुत फेमस मीटिंग होती है, इस बार ट्रम्प गए थे उसको अटेंड करने मेरे हिसाब से। तो वो कहाँ होती है? दाओस के अंदर होती है। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा? फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने यूनाइटेड नेशन के बारे में देखा, मलाला यूसुफजई के बारे में देखा वो कौन थी, और नोबल प्राइज के बारे में देखा। सेकेंड क्वेश्चन में हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो नई पोस्ट बनाई है उसके बारे में देखा, और हमारे तीनों इंडियन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के चीफ के बारे में देखा। थर्ड क्वेश्चन में हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ने एक इंडेक्स निकाली थी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मेजर करती है, और उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 72। टॉप वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि टॉपर कौन है, क्योंकि हमें इंडिया से मतलब है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक एनुअल मीटिंग होती है, हर साल होती है, इस बार ट्रम्प गए थे मेरे हिसाब से और पिछले साल मोदी गए थे, और उनकी वायरल भी हुई थी फोटो, तो दावोस के अंदर होती है, दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कोलोंगी स्विट्जरलैंड में। अपन ने दो हेडक्वार्टर देखे यूनाइटेड नेशन का, तो मैक्सिमम हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क यूएसए में होते हैं, या फिर उसके बाद जेनेवा के अंदर होते हैं। तो अपन ने जेनेवा का देख लिया, ये कोलोंगी जेनेवा स्विट्जरलैंड है, इसका पूरा एड्रेस देखेंगे तो कोलोंगी जेनेवा स्विट्जरलैंड है। तो अपन ने ये कर लिया, अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो आगे क्वेश्चन देखो मेरी बात, आगे क्वेश्चन देखो, आगे ये देखो। आरबीआई ने मनी ऐप जनवरी में लॉन्च करी है, MANI। किसने लॉन्च करी है? आरबीआई ने। अब आरबीआई की बात भी करेंगे, पहले मनी मैनी की ये जो ऐप है इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, फुल फॉर्म याद रखना है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। जो हमारे विजुअली चैलेंज्ड लोग होते हैं, अगर वो नोट, ये नोट इस एप्लीकेशन के सामने रखेंगे तो उनको वो बता देगा कि ये नोट कितने का है, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए आरबीआई ने मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर बनाया है। ये बात हो गई। अब इसकी आरबीआई के बारे में बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। स्टैब्लिश कहाँ हुआ था? जिन लोगों ने अपना ये बिजनेस एनवायरनमेंट देखा है उनको पता होगा, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और हेड कौन है? शक्तिकांत दास है, हेड अपना शक्तिकांत दास है। तो आरबीआई की बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक सारे क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
क्लीनेस्ट सर्वे, देखो हर साल इंडिया में क्लीनेस्ट सर्वे होता है, हर साल इंडिया में गवर्नमेंट क्लीनेस्ट सर्वे करती है, उसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, उसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। और इस क्लीनेस्ट सर्वे में कौन सी सिटी या कौन सी जगह को गवर्नमेंट ने क्लीनेस्ट मतलब टॉप करा है, उसने किसने करा है, इंदौर ने करा है, इंदौर मध्य प्रदेश ने करा है, कितनी ये फोर्थ टाइम कर रही है इंदौर टॉप, मतलब इंदौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के हिसाब से सबसे क्लीनेस्ट सिटी है पूरे इंडिया के अंदर, कौन है, इंदौर है। अब एमपी की बात हुई, एमपी के बारे में आप लोगों को पता होगा, इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन हुए थे दोनों बीजेपी और कांग्रेस के बराबर सीट आई थी, कमलनाथ को कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और शिवराज सिंह चौहान दोबारा चीफ मिनिस्टर बने मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान आज की डेट में कौन है, शिवराज सिंह चौहान दोबारा चीफ मिनिस्टर है, ज्योति आदित्य राव, ये अनइम्पोर्टेंट बात पे आगे मैं, ज्योति आदित्य राव कमलनाथ के साथ थे, वो कांग्रेस से अलग हुए, वो बीजेपी में गए और गवर्नमेंट बनी शिवराज सिंह चौहान की। मेन बात क्या है, इंदौर को क्लीनेस्ट सर्वे का अवार्ड मिला है और एमपी के अंदर इलेक्शन हुए थे, बीजेपी कांग्रेस को दोनों को बराबर सीट मिली थी, कमलनाथ की गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, फिर कमलनाथ की गवर्नमेंट गिर गई और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान शायद चौथी बार दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं विच सिटी हैज बीन द फर्स्ट फर्स्ट ई वेस्ट क्लीनिंग, मतलब जो आपका मोबाइल का कचरा होगा ना वो डोर टू डोर कलेक्ट कर सकते हो, या आपको जगह बता दी है आप वहां पर पुट कर सकते हो। तो फर्स्ट ई वेस्ट क्लीनिंग कहां पर स्टैब्लिश हुई है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश हुई है। कहां पर स्टैब्लिश हुई है, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट बात थी, कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान वाली बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वाला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी असम में जनवरी के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स गवर्नमेंट के गेम्स है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है गुवाहाटी। पहला क्वेश्चन, कहां ऑर्गेनाइज हुए थे, गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज हुए थे। और इसके अंदर कौन सी स्टेट जीती, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। तो अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है आगे चलो। इसके बाद होती है कि विच इंडियन स्टैचू हैज बीन इंक्लूडेड इन एट वंडर्स ऑफ SCO। देखो मेरी बात, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एक ग्रुप है जो चाइना ने बनाया, शंघाई मतलब चाइना के अंदर जगह है, चाइना ने बनाया है वो ग्रुप और उसमें 8 कंट्रीज मेंबर है, जैसे G7, G8, ये ब्रिक्स है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये किसने बनाया है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना ने बनाया है। तो इसका हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर भी चाइना के अंदर होगा, कहां पर है, बीजिंग चाइना के अंदर है। टोटल कितने मेंबर्स है, 8 मेंबर्स है। और अब देखो ये तो स्टैटिक की बात आ गई, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना ने बनाया है, उसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है और उसके अंदर 8 मेंबर स्टेट उसकी, वो 8 मेंबर्स उसके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथी है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान को रिसेंटली ऐड करा था शायद 1-2 साल पहले, ठीक है। अब देखो विच इंडियन स्टेट इज इंक्लूडेड इन 8 वंडर्स ऑफ SCO, 8 वंडर्स में कौन सी चीज इंक्लूड हुई है। देखो सबसे बढ़िया स्टैचू तो जो अभी तक अभी रिसेंटली बना है वो किसका है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, कहां पर है, गुजरात में। कितने मीटर्स का, 182 मीटर्स का, ये चीज भूलने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन उसका आर्किटेक्ट है, रामवीर सुत्तर उसका आर्किटेक्ट है। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कौन, वो यूनिफाई करने, इंडिया को जिसने यूनिफाई करा था वो थे, हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। इतनी बात समझ में आ गई, 8 क्वेश्चन डिस्कस करें पर ऐसा लग रहा है 20 से लेकर 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, यही लेवल होगा CSGO के करंट अफेयर्स का, सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है अभी तक के, कोई भी फालतू करंट अफेयर नहीं है, ठीक है आगे चलो। एक और चीज इस पे आओ, पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडिया के अंदर पैसेंजर्स को, रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेलवे की पुलिस है, उसका नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस उसका नाम क्या कर दिया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। मेरे को पता है वो स्किप कर रहा है, उस पर भी आऊंगा मैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इसका नाम कर दिया। ये क्या करती है, सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडियन रेलवेज एंट्रस्टेड विद प्रोटेक्टिंग रेलवे पैसेंजर्स एंड रेलवे प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आ
गई, आगे चलो। अब देखो मेरी बात, अगर रेलवेज की बात आई है तो अपना एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रेलवेज में, करेंट रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल है। ये जो 3 4 5 6 टॉप मिनिस्ट्री है ना, उनके मिनिस्टर याद करने, ये अपनी मॉड्यूल में भी दे रखे हैं। पीयूष गोयल हमारे करंट के रेल मिनिस्टर है। पीयूष गोयल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये पहले कोल मिनिस्टर भी थे, अब ये रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, रेलवे में एक्सट्रीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना के अंदर आइसोलेशन वार्ड्स बनाने का आइडिया रेलवे के अंदर इनका ही था, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करे। ही इज़ द पर्सन टू बी अप्रिशिएटेड। और ये इससे पहले जब अरुण जेटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ हो गई थी या वो बीमार थे उस टाइम, इन्होंने बजट भी पेश करा था इंडिया के अंदर। लास्ट बजट मेरे हिसाब से जो 1 2 साल पहले आया था, वो इन्होंने ही पेश करा था। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मेन बात क्या है, पीयूष गोयल अपन को ध्यान रखना है, अपन को पीयूष गोयल ध्यान रखना है। बहुत एक्सट्रीम, बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, आगे चलो। विच स्टेट इज टू ऑब्जर्व द नो व्हीकल डे ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ? मतलब 1st ऑफ एवरी मंथ के अंदर जो राजस्थान का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके जो लोग हैं, वो लोग साइकिल से आएंगे या जो भी चीजें उनसे आएंगे, पर व्हीकल से नहीं आएंगे। नो व्हीकल डे जो राजस्थान का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो ऑब्जर्व करेगा। ये 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये नहीं लगे कि सर आके बकवास कर रहे हो, हम याद कैसे करें? याद रिवीजन से होगा। पहला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ने टीनेजर किसको दिया? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर है, मलाला यूसुफजई को दिया है। दोबारा बातें नहीं करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। फिर इंडिया का आर्मी का चीफ कौन बने हैं? वो जनरल मनोज मुकुंद नारवे, करमवीर सिंह और भदौरिया जी। 72 नंबर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कोलंगी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और दाओस में इनकी एनुअल मीटिंग होती है। ठीक है, आरबीआई ने, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। मनी नाम से ऐप लॉन्च करी है, विजुअली चैलेंज लोगों के लिए करी है। क्लीननेस सिटी पूरे इंडिया में सबसे क्लीननेस सिटी कहाँ की है? इंदौर की है, मध्य प्रदेश की है। इंदौर के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है अभी करेंटली? शिवराज सिंह चौहान है। इससे पहले कौन थे? 6 महीने पहले कमलनाथ था। ठीक है, उसके बाद ई वेस्ट क्लिनिक की बात कर ली भोपाल की। फिर ये यूथ गेम्स हुए थे बहुत इंपॉर्टेंट, गुवाहाटी असम में हुए थे, और किस स्टेट ने टॉप करा है? महाराष्ट्र ने टॉप करा है। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन से स्टेट को इंक्लूड करा है? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी को इंक्लूड कराएं। कौन सा राजस्थान? राजस्थान का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नो व्हीकल डे ऑब्जर्व करेगा, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदल के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया है। देखो, करंट अफेयर में मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी जितना तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के एक चैप्टर में करी है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अब देख लो कॉन्स्टिट्यूशन के एक चैप्टर में कितनी मेहनत करी है, और करंट अफेयर में एक जनवरी में कितनी मेहनत कर रहे हो, कंपेयर कर लेना। ठीक है, प्रगति मेट्रो स्टेशन को प्रगति मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अब मेट्रो की बात आई तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन फेमस है इंडिया के अंदर? ई श्रीधरन। ई श्रीधरन ये कोई इंजीनियर है, अभी भी जिंदा है, ये मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। प्रगति मेट्रो स्टेशन का नाम क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। आगे चलो, अब रेलवे के अंदर अपन ने पीछे बात करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का हेड कौन है? पीयूष गोयल। जो रेलवे का बोर्ड है उनका नए चेयरमैन बने वी के यादव, इनका शॉर्ट नाम क्या है? वी के यादव, विनोद कुमार यादव। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, विनोद कुमार यादव। अभी तक कोई भी क्वेश्चन टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं आया है। ठीक है, ये बात हो गई वी के यादव की। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, देखो मेरी बात, इस पे सेपरेट टॉपिक आएगी जब अपन को, अपन वाइवा वॉइस करेंगे ना, उसमें अपन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे बहुत बवाल हुआ था, तो इस टॉपिक पे आपको एग्जामिनर बोलने को बोल सकता है, ये अपन उसमें ढंग से डिस्कस करेंगे कि हमें क्या बोलना है। पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का बिल है, इसके अंदर 5 हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैनीज, बुद्धिस्ट, पारसी। पहला क्वेश्चन, कितने लोगों को सिटीजनशिप देंगे? 5 लोगों को देंगे, 5 रिलीजियन लोगों, 5 रिलीजियस, जो 5 रिलीजियन के लोगों हो गए उनको दोगे। कहाँ से देंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। किस कंट्री से देंगे? 3 कंट्री से। मतलब देखो मेरी बात, कोई भी
जो पांच रिलीजन के लोग हैं जो इन कंट्री से इंडिया आए होगे, कब आए होगे, 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आए होगे, उनको ये बिल सिटीजनशिप देने के लिए है। ये बिल किसी की सिटीजनशिप लेने के लिए नहीं है, ये बिल सिटीजनशिप देने के लिए, किसको देने के लिए, जो इन तीन कंट्रीज में रहते हैं, और जो इन तीन कंट्रीज के अंदर ये पांच रिलीजन के लोग रहते हैं उनको सिटीजनशिप देने का बिल है। तो ये बात सिटीजनशिप के बारे में अपने नोटबुक में लिख लो। इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी स्टेट ने रिजोल्यूशन पास कराया इसके अगेंस्ट में कि हम सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या नाम है? हाँ, तो देखो अपन केरला हो गया जिसने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराया। 13 क्वेश्चन हो गए, 14th पे चलो। 14th सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, हु ने देख WHO ने 2020 में, जब स्टार्टिंग में इतना कोरोना नहीं था, अपन जनवरी की बात कर रहे हैं, उसने 2020 में कौन से ईयर डिक्लेयर करा था, 2020 को किस ईयर से डिक्लेयर करा था, ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक कोई भी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता तो मैं बोल देता, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेड कौन है, टेड्रोस एंडोनोमोन, जो भी इसका प्रोनंसिएशन है देख लो। WHO के हेड ये जो भी है ना, ये अगर आपके कान खुले हैं तो इनकी हर 2 दिन में एक बार ट्विटर पे आती है या फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, क्योंकि WHO कोरोना के अंदर खूब गाइडलाइंस निकाल रहा है और ये हेड है तो इनका बहुत बड़ा रोल है। टेड्रोस एंडोनोमोन, ठीक है, ये हो गया। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, टेड्रोस एंडोनोमोन, और WHO ने 2020 को किस ईयर से बोला था, जनवरी में, ईयर ऑफ इंटरनेशनल नर्स एंड मिडवाइव्स। मिडवाइव्स बोलो तो दाई होती है ना, जो दाई, उनको मिडवाइव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना 14th क्वेश्चन हो गया। 15th क्वेश्चन देखो, डिफेंस एक्सपो, इंडिया का डिफेंस एक्सपो बहुत लार्ज था, ये कहाँ पर है, लखनऊ में। ये लखनऊ में इनॉग्रेट करा था, मोदी ने भी इनॉग्रेट करा था और ये लखनऊ में हैपन हुआ था। लखनऊ कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। यूपी की बात हुई तो यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ यूपी का चीफ मिनिस्टर है। और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का कौन है, राजनाथ सिंह। सब याद करते जाओ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इंडिया के अंदर डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर और अपने रोड मिनिस्टर, इनके अलावा तो कुछ पूछते ही नहीं, और HRD मिनिस्टर और मान लो। तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, तो ये बात समझ में आ गई। डिफेंस एक्सपो हुआ था 2020, कहाँ पर हुआ था, लखनऊ यूपी में हुआ था, और ये बहुत बड़ा था क्योंकि यूपी को डिफेंस कॉरिडोर बनाने की कोई बात चल रही थी, उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए डिफेंस एक्सपो हुआ था। तो 15th क्वेश्चन हो गया। 16th क्वेश्चन चलो, किस स्टेट ने दामिनी दामिनी व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट करा है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दामिनी ये किस स्टेट ने चालू करा है, यूपी ने चालू करा है। यूपी का जो हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है, यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ने दामिनी व्हाट्सएप नंबर करा है वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। अब देखो दोबारा इस पेज को देख लो, प्रगति मेट्रो स्टेशन को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कर दिया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का काम किया वीके गुप्ता। एक दो दिन दिक्कत आएगी, तीसरे दिन जब तुम इन पन्नों को रिवाइज करोगे ना, ऐसे 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 रिविजन होगा, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो गया, केरला थी जिसने अगेंस्ट में पास करा था, जनवरी का करंट अफेयर है। WHO ने कौन सा ईयर करा था, ईयर ऑफ मिडवाइव्स एंड ये नर्स वाला ईयर करा था। डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था। दामनी ये किसने करी है, यूपी ने करी है। चलो आगे चलो, देखो जनवरी में इंडिया और ओमान के बीच में नसीम अल बहार ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। बाइलेटरल एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती है, हमारी आर्मी उधर आती है या उनकी आर्मी हमारी आर्मी के साथ मर्ज होके एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है, डिफेंस एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है। तो इंडिया और ओमान ने नसीम अल बहार एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। जो ओमान के न्यू सुल्तान है, जो जनवरी के अंदर जो न्यू सुल्तान बने, उनका नाम है हैताम बिन तराके। दोनों एक तरीके से ओमान के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने एक ही जगह पर ले लिए, हैताम बिन तारिक, हैदाम हैतम ऐसे, हा हैताम हैताम कर लो, बस हो गया याद, हैताम कर लिया, नसीम अल बहार कर लिया। अब देखो हर कंट्री के अंदर इंडिया अपना एम्बेसडर भेजता है और हर कंट्री का एम्बेसडर इंडिया में होता है। तो US जैसी कंट्री में इंडिया को, इंडिया की कम्युनिटी की बात, इंडिया की कम्युनिटी को मदद करने के लिए कौन है, तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू मेल है ये, तरनजीत सिंह संधू, अगेन इंपॉर्टेंट।
देखो ये सुल्तान वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो, पर अभी तक सिर्फ यही क्वेश्चन है जो छोड़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो सुल्तान का नहीं पूछे, पर फिर भी किसी कंट्री का अगर कोई हेड इलेक्ट हुआ है तो हमें पता होना चाहिए। हैताम बिन तारिक, हैताम बिन तारिक। और यूएस का एम्बेसडर, यूएस में इंडिया का एम्बेसडर का नाम क्या है? तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, कोलकाता पोर्ट को, कोलकाता पोर्ट को रिनेम करके कर दिया श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को रिनेम करके श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया कोलकाता। देखो इनमें कोई स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं बना। ओमान और इंडिया की एक्सरसाइज हुई, नाम क्या है? नसीम अल बहार। अगर नसीम अल बिहार आया तो हमें याद होना चाहिए इंडिया और ओमान की एक्सरसाइज यही है। ठीक है, ओमान का न्यू सुल्तान हो गया, एम्बेसडर हो गया, कोलकाता पोर्ट को श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया। ये हमारे जो पहली गवर्नमेंट थी ना जवाहरलाल नेहरू की, उसके अंदर ये कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर और ये कुछ थे, तो उनके उनके ट्रिब्यूट के लिए श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया कोलकाता पोर्ट का नाम। ठीक है, आगे चलो। अब देखो ये दोबारा ऐसा क्वेश्चन है, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए? हसन दियाब। हसन दियाब, ये भी मैं बोलता हूँ कि एक बार के लिए अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये इतनी सारी कंट्रीज है, सबके प्राइम मिनिस्टर का याद करना नॉट पॉसिबल है, पर अगर मैंने कवर करा दिया तो इसका मतलब मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, मर्जी आपकी है। वैसे इसके आने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब आगे चलो। अब देखो आईसीएसआई आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका में हुआ था। जो क्रिकेट के फैंस हो गए उन्होंने तो इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप भी देखा था। तो कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। जीता कौन है? बांग्लादेश जीता है। और किससे जीता है? इंडिया से जीता है। तो सेकेंड नंबर पे कौन है? इंडिया। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? बांग्लादेश। देखो करंट अफेयर को रोज करोगे याद हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। आज पढ़ोगे दिक्कत आएगी, कल पढ़ोगे आसान होगा, परसों पढ़ोगे 25% दिक्कत आएगी, उसके बाद पढ़ोगे माइनस में दिक्कत आएगी, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिवीजन करो, रिवीजन करो। कॉन्स्टिट्यूशन जितनी मेहनत करनी है जनवरी में, समझ रहे हो? ठीक है, फिर बाकी जो आगे के करंट अफेयर आएंगे ना उनमें कम मेहनत करनी, क्योंकि कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, करंट अफेयर कम हो गए। चलो आगे चलो। तो आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? साउथ अफ्रीका में। जीता कौन है? बांग्लादेश। इंडिया की रैंक क्या है? सेकंड। बांग्लादेश से इंडिया हार गई थी। क्रिकेट का वर्ल्ड कप अंडर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस था इस बार का ये। ठीक है, अब देखो मेरी बात। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, नीति आयोग ने जनवरी में सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019 लॉन्च करी थी, और इसमें टॉप कौन करा था? केरला ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे कंट्री के अंदर किसका वाटर, किसकी इलेक्ट्रिसिटी, किसकी पॉपुलेशन, किसकी लिटरेसी, सारी चीजों को मेजर करती है, और किसने कौन करा है? नीति आयोग ने करा है। नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुई थी? मेरे हिसाब से, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, पर 2015 में स्टैब्लिश हुई थी नीति आयोग। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस करा था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था। ये बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत डीप में पड़ा है। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और करंट वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। ये नीति आयोग के बारे में हमको याद रखना है। नीति आयोग का काम क्या है? पॉलिसीज को फ्रेम करना। तो नीति आयोग की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी का फुल फॉर्म भी आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया था, उसके अंदर नीति आयोग ने किस स्टेट को टॉप पे माना है? केरला को टॉप पे माना है। आगे चलो। देखो जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ बोले तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। सीआरपीएफ किसके अंडर आती है? होम मिनिस्टर। जो हमारा होम मिनिस्ट्री होती है ना, होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह के पास है। देखो अभी तक अपन ने 2-3 मिनिस्ट्री करी है, अपनी मॉड्यूल में दे रखी है मिनिस्ट्री सारी। एक तो हमने करी है डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। हमारा जो होम मिनिस्टर है कौन है? अमित शाह। और हमारा जो रेलवे मिनिस्टर है कौन है? पीयूष गोयल। और हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? निर्मला सीतारमन। ये 4 मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है। और रोड मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। ये 5 मोदी के राइट और लेफ्ट हैंड है। अब बोलोगे राइट लेफ्ट तो एक ही होता है? नहीं, मोदी जी के 5 राइट लेफ्ट हैंड है, इनके बिना मोदी जी फंक्शन नहीं कर सकते, और खासकर अमित शाह जी के बिना तो मोदी जी फंक्शन ही नहीं कर सकते। तो जो अमित शाह के अंडर में आती है ना फोर्स, उसका नाम है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का न्यू डायरेक्टर बना है, न्यू हेड बना है, उसका नाम क्या है? एपी महेश्वरी। एपी महेश्वरी इज द न्यू हेड ऑफ सीआरपीएफ। एपी महेश्वरी इज द न्यू हेड ऑफ सीआरपीएफ। बार बार याद करोगे याद हो जाए, कि कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या क्या कर लिया। इंडिया ओमान कर लिया,
ये इंडियन एम्बेसडर कर लिया, कोलकाता पोर्ट कर लिया, ये वाला करो तो करो वरना मत करो, बांग्लादेश वाला कर लिया, एसडीजे कर लिया, और सीआरपीएफ कौन है, इंडिया की होम मिनिस्ट्री के अंदर एक फोर्स आती है, एक पुलिस फोर्स आती है, उसका नाम है सीआरपीएफ। उसके जो नए हेड है उनके क्या नाम बना है, एपी महेश्वरी। अब देखो जो हमारी बीसीसीआई, बीसीसीआई बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, बीसीसीआई कौन है जो हमारे क्रिकेट को कंट्रोल करती है इंडिया के अंदर, उसका नया हेड बना है, उनका नाम है सौरव गांगुली। नया हेड नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन तो पुराना है, सौरव गांगुली वाला जो बीसीसीआई का हेड है ना, उनका नाम है सौरव गांगुली। ठीक है, एक मिनट रुको। तो ये जो बीसीसीआई होता है ना, उसका एक अवार्ड है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो किसको मिला है, वो क्रिश श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा, दो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, ये वुमेन्स टीम की कैप्टन थी, और ये शायद ये भी क्रिकेटर ही है, पर अब ये इनका इनकी हिस्ट्री नहीं जाननी अपन को। अपन को क्या याद रखना है, बीसीसीआई कौन है, इंडिया के अंदर बीसीसीआई कंट्रोल करती है क्रिकेट को, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन, बीसीसीआई को अभी हेड कौन कर रहा है, सौरव गांगुली कर रहा है। बीसीसीआई को हेड कौन कर रहा है, सौरव गांगुली कर रहा है, ठीक है। और बीसीसीआई का जो अवार्ड है, बीसीसीआई जो लोगों को रिकॉग्नाइजेशन देती है, उसमें एक सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो किसको मिला है, वो क्रिश श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा, क्रिश श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को मिला है। ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे चलो। देखो झारखंड में इलेक्शन हुए, कांग्रेस जीती और चीफ मिनिस्टर बने हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन याद रखना है, ये भी हमारा जनवरी का ही क्वेश्चन है। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बने। झारखंड के साथ महाराष्ट्र के भी इलेक्शन हुए थे, अभी रुको ये रहा, चलो एक बार पहले इधर आओ। झारखंड के साथ महाराष्ट्र के भी इलेक्शन हुए थे, महाराष्ट्र के इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग थे। जीती कौन, बीजेपी, शिवसेना। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, किसके साथ आ गई, एनसीपी के साथ आ गई। गवर्नमेंट सबसे पहले किसकी बनी, जो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस थे उनकी गवर्नमेंट बनी, अजीत। देखो मेरी बात सुनो, करंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे शिवसेना के, और डिप्यूटी कौन है, अजीत पवार। पर इससे पहले जब इलेक्शन हुए तो सीटें बीजेपी की ज्यादा आई थी, बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, देवेंद्र फडणवीस जो उनके चीफ मिनिस्टर थे पिछले 5 साल से शायद, उन वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, पर उनके पास नंबर नहीं थे तो उनकी गवर्नमेंट गिर गई। और करंट में गवर्नमेंट किसकी है, उद्धव ठाकरे की है, मतलब एनसीपी प्लस शिवसेना प्लस कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है महाराष्ट्र में। इतना हमें ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है, अजीत पवार। महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिजल्ट भी जनवरी में समथिंग में ही आया था, और झारखंड के साथ आया था, झारखंड में कौन है, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर बना है किसी स्टेट का किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, ठीक है। अब आगे चलो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। विच इंडियन डिफेंस सर्विस हैज बैंड द यूज ऑफ फेसबुक बाई इट्स पर्सनल वाइल ऑन ड्यूटी। ड्यूटी पे आप फेसबुक नहीं चला सकते, ऐसा किसने बोला है, इंडियन नेवी ने बोला है। इंडियन नेवी ने फेसबुक को बैन कर दिया, ड्यूटी पे आप नहीं कर सकते, अपने घर पे करो, ठीक है। अब देखो मेरी बात, ये वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट टाइप है, अनइम्पॉर्टेंट बोले तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी दो मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि अभी ऑस्कर भी मिले थे, ऑस्कर अपन आगे कवर कर लेंगे। तो ये 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, इसमें बेस्ट फिल्म किसकी मिली थी, 1917 को बेस्ट फिल्म मिला था, ये ध्यान रखना। एक्टर और एक्ट्रेस ध्यान मत रखो, ठीक है, ट्रस्ट करो, इतनी चीजें अपन नहीं कर सकते। मेन बात क्या है, बेस्ट फिल्म कौन बनी थी, 1917 मिली थी। अगर उसको एक्टर एक्ट्रेस पूछना होगा वो ऑस्कर में पूछ लेगा, ठीक है। और अगर एक्टर करो तो कर लो, जोकर का जो एक्टर है हमारा फिनिक्स, उसको बेस्ट एक्टर का मिला है और ऑस्कर में भी उसको ही मिला है, ठीक है। तो 77 जो गोल्डन अवार्ड्स थे उसमें कौन सी फिल्म थी, 1917 फिल्म को अवार्ड मिला है, 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाम है। तो अपन ने इतना कर लिया, अपन ने 20-30 क्वेश्चन अपन ने देख लिए सक्सेसफुली। चलो आगे चलो चलो, देखो मेरी बात, एक क्वेश्चन ये है। देखो इंडिया ने 2022 जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसके अंदर बोला था कि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम जो मेडल्स आते हैं ना वो शूटिंग कैटेगरी से आते हैं, और 2022 कॉमनवेल्थ ने क्या बोला कि हम शूटिंग हटा देंगे, हम शूटिंग को इन गेमों में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंडिया ने विड्रॉ करा, पर बाद में इंडिया ने कहा कि यार एक कैटेगरी के बदले जो हमारे बाकी लोग हैं वो क्यों सफर करें, तो इंडिया ने दोबारा उसको ज्वाइन कर लिया कि कोई बात नहीं हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडिया ने किसके कारण विड्रॉ करा था, शूटिंग गेम्स के कारण करा था। पहला ये वाला तो अपना करंट
क्वेश्चन हो गया। अब स्टैटिक क्वेश्चन पे चलो, 2022 जो कॉमनवेल्थ गेम्स है कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं बिरमिंगम यूके, बिरमिंगम यूके में हो रहा है। और कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं, समझ में आ गया। इंडिया हैज विड्रॉन इट्स बॉयकॉट फ्रॉम इट, ये तो अपना हेडलाइन है। इस किस क्यों बॉयकॉट कर रही थी इंडिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंक्लूड नहीं है इसलिए इंडिया बॉयकॉट कर रही थी। पर फाइनली उस इंडिया को लगा यार बाकी हमारे लोग भी तो है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो अब इंडिया ने दोबारा इसको सपोर्ट दे दिया। ठीक है आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलाऊ ऐसी कंट्री है जिसने ये जो रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन होती है इसको बैन करा है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कौन सी कंट्री ने, फर्स्ट कंट्री है जिसने रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन को बैन करा है, पलाऊ कंट्री ने करा है। आगे चलो देखो, इसरो ने अपना एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाई, जगह बनाई है जहां से वो इसरो अपनी सारी व्हीकल्स को, जो स्मॉल सैटेलाइट्स होती है उनको लॉन्च करेगी। कहां पर बनाई है, तमिलनाडु में बनाई है, तमिलनाडु में बनाई है। तो ये तो अपना करंट क्वेश्चन हो गया। इस पे स्टैटिक क्वेश्चन क्या है, इस पे स्टैटिक क्वेश्चन ये है कि इसरो का हेडक्वार्टर, सबका हेडक्वार्टर दिल्ली मुंबई होता है पर इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, ध्यान रखना है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। इसके हेड कौन है, के सिवान। और अब सुनो मेरी बात, इसरो से रिलेटिंग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें सबने देखी होगी, डीडी नेशनल पे या किसी न्यूज़ चैनल पे, जब इंडिया का चंद्रयान 2 मून पर लैंडिंग कर रहा था और लैंडिंग करते टाइम मोदी जी इसके इसरो के ऑफिस में प्रेजेंट थे, और जब वो लैंड हुआ तो जो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग थी, विक्रम जो उसका ऑर्बिट था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, वो अनट्रेसिबल हो गया, वो अपनी ट्रैजेक्ट्री से भटक गया। तो इसने क्या हुआ कि इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन था वो रिसेंटली फेल्ड हो गया था, और मोदी जी ने के सिवान को गले लगा के सिवान रोए भी थे। क्यों रोए थे, क्योंकि के सिवान इसरो के हेड थे और इसरो का ये चंद्रयान 2 का मिशन पूरा इंडिया न्यूज चैनल पे देख रहा था और ये फेल हो गया। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट आएगा इसमें क्या करे, फेल हो गया तो, पर कोई बात नहीं। ठीक है एक और चीज, इसमें मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी थी इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन, मैन्ड मिशन मतलब हम इंडिया वालों को मून पर लेकर जाएंगे और वापस लेकर आएंगे, कितने लोगों को, 4 लोगों को, 4 लोगों को लेकर जाएंगे और वापस लेकर आएंगे। कब तक होगा ये, 2022 डेडलाइन है इसकी। इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन जो कि 4 लोगों को लेकर जाएगा, और ये 4 लोग किसके होंगे, ये इंडियन एयरफोर्स के होंगे। ये जनवरी का करंट का क्वेश्चन है, नेट पे सर्च कर लेना जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर मेरे पे बिलीव नहीं है तो नेट पे सर्च कर लेना, मैं अपनी मर्जी से नहीं करा रहा और मैं बच्चों को परेशान करने के लिए नहीं करा रहा। मैंने सारे क्वेश्चन बहुत माइन्यूटली खूब सारी वेबसाइट से सर्च करके कॉमन क्वेश्चन निकाले हैं, और परेशान करना मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है। जितनी मेहनत कॉन्स्टिट्यूशन में करी है, 1 घंटे के 3 लेक्चर, उतनी ही करनी पड़ेगी जनवरी में। ठीक है, और प्लस रिवीजन, जितनी मेहनत आप लोगों ने आर्टिकल को रटने में करी है उतनी मेहनत ही इनमें करनी पड़ेगी, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन 4 लोगों को लेकर जाएगा, कब इसकी डेडलाइन है इस मिशन की, 2022, और ये लोग इंडियन एयरफोर्स के होएंगे, ये 4 लोग इंडियन एयरफोर्स कैटेगरी के होएंगे। ठीक है आगे चलो, अब देखो मेरी बात, अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट नहीं था, पर अब एक दो हो सकते हैं, अभी मैं करता हूँ। देखो एक पहले इस पे आओ, देखो ईरान, ईरान का जो टॉप कमांडर था ना, ईरान जो इंडिया के बगल में अफगानिस्तान के साइड में, ईरान, इराक नहीं है ये ईरान है, ईरान का जो टॉप कमांडर था, उसका नाम था कासिम सुलेमानी। अमेरिका ने क्या करा, ड्रोन स्ट्राइक करके कासिम सुलेमानी की डेथ कर दी। अमेरिका ने क्या करा, ड्रोन स्ट्राइक करके ईरान के अंदर घुसकर इनके कमांडर जनरल को मार दिया, इतनी बड़ी बात करी। तभी तो ईरान और यूएसए की वॉर होने वाली थी, ईरान और यूएस की वॉर होने वाली थी, और ईरान इंडिया से हेल्प मांग रहा था कि आप हमें हेल्प करो। तो ये जो कासिम सुलेमानी है, इनका नाम क्या है, कासिम सुलेमानी, ये ईरान के कमांडर थे, यूएसए ने ड्रोन स्ट्राइक करके मार दिया, और इनको रिप्लेस किसने करा है, इस्माइल कूनी, इस्माइल कूनी ने इन कासिम सुलेमानी को रिप्लेस करा, क्योंकि इनकी डेथ हो गई तो नया कमांडर कौन है, इस्माइल सुलेमानी। इसके कारण ईरान ने यूएस की ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था, यूएसए की आर्मी को
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान ने घोषित कर दिया था, क्योंकि ईरान के कमांडर इन चीफ को आप लोगों ने ईरान के अंदर घुसकर बगदाद एयरपोर्ट के पास में जाके मारा, तो बहुत गलत बात थी। तो ईरान ने यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए की आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था, और इनके बीच में बहुत नाटक हुए थे। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो मेरी बात, ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च करा है? महाराष्ट्र ने। मेरे को लगता नहीं है इंपॉर्टेंट है, पर एक बार पढ़ने में कुछ घाटा नहीं है। ठीक है, रेलवेज ने 139 नंबर लॉन्च कराए पैसेंजर की हेल्प के लिए, पढ़ लो एक बार, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं। ठीक है, तेलंगाना ने 2020 ईयर को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित करा है, ये तो इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना ने ईयर 2020 को हर स्टेट मानती है, और ये ईयर तो इस पर फोकस होना चाहिए, तो तेलंगाना ने क्या बोला है, ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला है। ठीक है, 107 इंडियन साइंस कांग्रेस, मतलब ये 107वीं थी, 100 साल से इंडियन साइंस कांग्रेस हो रही है, ये एक तरीके से मीटिंग टाइप है। ये कहां पर हुई है? बेंगलुरु में। यूएस की थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लो। मेन बात क्या है, जो 107 इंडियन साइंस कांग्रेस है ये कहां पर हुई है? बेंगलुरु के अंदर हुई है। ठीक है, अब आगे चलो। मानव थक्कर वर्ल्ड नंबर वन आए थे, जो हमारा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन अंडर 21 रैंकिंग, बहुत बड़ी बात है, अंडर 21 रैंकिंग के अंदर मानव ठक्कर पूरे वर्ल्ड में टेबल टेनिस के नंबर वन प्लेयर गए थे, नंबर वन प्लेयर अभी भी हो गए। मैंने अब इसके बारे में इतना मैंने रिसर्च नहीं करी, पर मानव ठक्कर कौन है, वर्ल्ड नंबर वन आए थे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में। ठीक है, अंडर 29 कैटेगरी याद नहीं रखनी, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये अपन ने ये वाला पेज भी कर लिया, अब आगे चलो। इनमें कोई स्टैटिक क्वेश्चन बन नहीं रहा। अब देखो, ये लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अरे मार्क कर लो, लैंडमार्क क्वेश्चन है, लैंडमार्क जजमेंट होता है ना, वैसे लैंडमार्क क्वेश्चन है। लार्जेस्ट फॉरेन एफडीआई पूरे इंडिया के अंदर 19-20 साल में, 20-21 तो चल रहा है, 19-20 साल में कहां से आया है? सिंगापुर से आया है। 19-20 साल में कहां से आया है? सिंगापुर से आया है। ठीक है, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। देखो, लियो कार्टर न्यूजीलैंड के, ऐसे न्यूजीलैंड के और पूरी दुनिया के 7वें ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए, अपने युवराज सिंह ने भी लगाए थे। लियो कार्टर, ये 7वां याद नहीं करना, मेन बात है नाम क्या है, लियो कार्टर क्रिकेटर है, 6 बॉल पे 6 छक्के इन्होंने रिसेंटली लगाए हैं, रिसेंटली लगाए हैं। ठीक है, अब देखो, सीएमडी ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एच के जोशी का अपॉइंटमेंट हुआ है, एक बार पढ़ लो, एच के जोशी का अपॉइंटमेंट हुआ है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, एच के जोशी का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अपन ने इतना कर लिया, आगे चलो आगे चलो। ये देखो, कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म योद्धा ग्रंथ, अमित शाह ने मोदी की लाइफ पे, मोदी के स्ट्रगल पर बुक लॉन्च करी। अमित शाह कौन है? इंडिया के होम मिनिस्टर, मोदी जी के दोस्त। तो कौन सी बुक मोदी जी के लाइफ पर इंडिया के होम मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी? कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म योद्धा ग्रंथ, बुक ऑन द लाइफ ऑफ पीएम मोदी, लॉन्च्ड बाय अमित शाह। चलो आगे चलो। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड फायर, तुम्हें सब पता है, तुम सब इंस्टा व्हाट्सएप यूज करते हो, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत भयंकर आग लग गई थी कोरोना से पहले, तो जो कोला वाइल्ड स्पीशी है ना, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी, उनकी एक्सटेंट होने तक की है ना, वो आ गई थी नौबत। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड लाइफ स्पीशी दैट हैज बीन इंपैक्टेड वॉज कोला। ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड लाइफ पर भी एक वीडियो अपन बनाएंगे, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स है, ये वाला सीए कोरोना, ये 3-4 टॉपिक्स बहुत हॉट टॉपिक्स है जिनपे वाइवा वॉइस आ सकता है, अपन सब कराएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। सीएस गो जिंदाबाद। आगे चलो, वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी का प्रोजेक्शन करा है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए, कब करा था? जनवरी में। आज अगर करेगा तो वो तो बहुत कम हो जाएगा, क्यों? कोरोना है। उस टाइम कितना करा था? 5% करा था वर्ल्ड बैंक ने, 5% करा था। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक का हेड अभी अपन देख लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आ गया, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? देखो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर तो है वॉशिंगटन डीसी यूएस के अंदर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी यूएस के अंदर है, और इसका हेड कौन है? डेविस मालपास, डेविस मालपास, और कुछ वर्ल्ड बैंक से नहीं आ सकता। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसने क्या जीडीपी प्रोजेक्शन करी है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2020 में?
5% ही प्रोजेक्ट करा है। अब एक बात और सुनो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है किस पासपोर्ट की क्या वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 84, और टॉप पासपोर्ट किसका, जापान का। मतलब किसके पासपोर्ट से आप फ्री ट्रैवल कर सकते हो कंट्रीज में, मतलब आपको वीजा ऑन अराइवल हो सकता है, खूब सारी फैसिलिटीज हो सकती है। किसका पासपोर्ट सबसे अच्छा है और सबसे पावरफुल है, उसमें इंडिया की रैंक है 84 और जापान का नंबर है अपना टॉप पे है, ठीक है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी जो अनइम्पॉर्टेंट है मैं क्रॉस लगा देता हूँ आगे। क्रोशिया, क्रोशिया का प्रेसिडेंट कौन बना है अभी, जोरान मिलानोइक, मिलानोइक थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ताइवान का प्रेसिडेंट अभी बना है रिसेंटली, वो इम्पोर्टेंट है, तो ताइवान का प्रेसिडेंट सर्च करना। देखो हॉट टॉपिक्स अभी तक जो आया है ना, CAA आया है, वाइल्ड लाइफ फायर आया है, वाइल्ड लाइफ फायर, इनके बारे में अपन वाइवा वॉइस में डिस्कस करेंगे। अब ये मत बोलना सर आपने 50 का था, भाई 47 क्वेश्चन भी बहुत है आज के लिए, बाकी कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जनवरी के मेरे हिसाब से कल और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे, तो ऐसा अपना 100 क्वेश्चन का डेटा बैंक बन जाएगा जिसमें अपन पुरानी क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं और अपन को सारा फायदा हो रहा है, ठीक है। नोट्स हो रहे सब व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओ, नीचे लिंक दे रखा है, मेरे को मैसेज कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। और सब्सक्राइब जरूर करना, कोई डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप करो, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप वॉइस कॉल करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।